सनातन धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि बहुत खास मानी जाती है। अमावस्या तिथि के स्वामी पितृ देवता माने गए हैं, इसलिए अमावस्या पर पितृ देवता के लिए धूप ध्यान तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, उनके वंशज पर कभी संकट नहीं आता, मानसिक शारीरिक और आर्थिक तौर पर जीवन खुशहाल रहता है। अभी पौष माह चल रहा है, पौष अमावस्या 11 जनवरी 2024 गुरुवार को है। पौष माह को छोटा श्राद्ध पक्ष कहा गया है। पितृ पक्ष और अमावस्या दोनों ही पितरों को समर्पित है, ऐसे में पौष अमावस्या पर किए गए कार्य व्यक्ति को सुखी और समृद्धि जीवन देते हैं और कुंडली के अशुभ दोषों के प्रभाव से मुक्ति दिलाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, सनातन पंचांग के अनुसार पौष अमावस्या तिथि 10 जनवरी 2024 को रात 8:10 पर आरंभ होगी, 11 जनवरी 2024 को शाम 5:26 पर पौष माह की अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 5:57 से सुबह 6:21 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:08 से दोपहर 12:50 तक। गौधुली बेला शाम 5:40 से शाम 6:07 तक रहेगी। शास्त्रों में पौष का महीना सूर्य और पितरों की पूजा के लिए खास माना गया है। यही वजह है कि पौष अमावस्या पर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया गया पिंडदान तर्पण और श्राद्ध कर्म जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाता है। इस तिथि को पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए शुभ माना गया है। पौष अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के साथ ही भगवान कृष्ण की पूजा करें और गीता जी का पाठ करें। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक भी श्रेष्ठ माना गया है। सूर्य देवता को तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के पुष्प डालकर अर्घ दें। अब पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें और तर्पण करें। शाम को पीपल के वृक्ष में दीपक जलाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर गंगा या अन्य पवित्र नदी में स्नान आदि करके पितरों के निमित्त तर्पण आदि किया जाता है। ऐसा करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही अमावस्या तिथि पर किए गए दान से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में इस दिन चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं से जैसे दूध, चावल, चांदी, सफेद वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पंचबली कर्म करें, यानी ब्राह्मण गाय, कौवा, पक्षी आदि को भोजन कराएं। इन उपायों से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पौष अमावस्या के दिन ब्रह्म मेला में उठें और घर की साफ सफाई करें, आचमन कर स्वयं को शुद्ध करें और नवीन वस्त्र धारण करें। इसी समय भगवान सूर्य को जल का अर्घ दें। आप तिलांजलि भी दे सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ देने के पश्चात जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों को अर्घ दें। योग्य पंडित की देखरेख में पूर्वजों का तर्पण कर सकते हैं। अब विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के समय भगवान विष्णु चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती कर सुख समृद्धि की कामना करें। इसके पश्चात यथाशक्ति तथा भक्ति भाव से दान करें। पौष अमावस्या पर हमारे धर्म ग्रंथों में शनि देव की पूजा करने का भी एक विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन चंदन, अक्षत, रोली, धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल, मिठाई, फल, फूल, घी, चावल, दूध, पानी, शक्कर, घी आदि जो पूजा के लिए अर्पित किया जाता है, हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर लें और शनि देव की पूजा मंदिर में ही जाकर करना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव की कृपा हम सभी पर बनी रहती है। पौष माह की अमावस्या के दिन हनुमान चालीसा और शनि मंत्र चालीसा का पाठ करने से लाभ हो सकता है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।